नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मौसम है वो बेहद गर्म हो गया है। पारा कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, लेकिन चुनावी माहौल है और माहौल में जान फूंकने के लिए नगर निकाय में प्रभारी बनाया गया है चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी को, जो कि पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और मानिकपुर नगर पंचायत की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी कितनी कठिन है, क्योंकि कई बागी हैं जिन्हें खेमे में मिलाना भी था, कई बागी थे जिनको खत्म भी करना है, उनका जो इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से आप पूरा चुनावी जो रणनीति है बना रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी से बहुत लोग टिकट मांग रहे थे और टिकट एक ही को मिल सकता था, तो पार्टी ने जिसको सर्वश्रेष्ठ समझा, जो हमारा कार्यकर्ता है, पदाधिकारी भी है और गरीबों के बीच में काम करता है, अनुसूचित मोर्चे का अध्यक्ष है, उसको टिकट दिया। क्योंकि महिला सीट थी इसलिए उसकी माँ को टिकट दिया गया है। तो बागियों को जो हमारी पार्टी के बहुत वफादार थे, वो तो नामांकन नहीं किए, या नामांकन किए तो विड्रा कर लिए। कुछ एक दो लोग जरूर हैं जो टिकट मांग रहे थे भाजपा से, लेकिन वो बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मानिकपुर में जो आम जनमानस है वो हमारे प्रत्याशी के प्रति आकर्षित इस मामले में है कि एक तो भाजपा के प्रति भी लोगों का भाव है, दूसरा उनको लगता है कि एक बहुत ही सामान्य जन है और संगठन में जिसने काम किया उसको पार्टी ने उसी मेरिट पर टिकट दिया है। सीधा साधा भी है, सरल है, विनम्र है, किसी प्रकार का उसके साथ कोई टैग नहीं लगा हुआ है, किसी के पॉकेट का आदमी है। तो आम जन में धीरे धीरे उसके बारे में अच्छी धारणा बन रही है और मैं समझता हूँ कि चूँकि उनकी माँ लड़ रही है, माँ सबकी माँ सम्माननीय होती है, तो उस नाते से यहाँ की जनता उसको जरूर चुनेगी। एक प्रत्याशी गायत्री कोल हैं जो ये कह रही हैं कि अगर कार्यकर्ता को ही देना था तो मैं कार्यकर्ता थी, जब एक कार्यकर्ता की माँ को देना था तो फिर इस तरीके की चीज़ें। उषा देवी भी हैं जो चुनाव में टिकट मांग रही थी। एक दो टिकट ऐसे हैं जिनकी रणनीति इतनी प्रभावी है कि लग रहा है कि ट्रायंगुलर जो चुनाव है भाजपा से होने वाला है, इस सब पे क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं आपको जो लोगों ने कहा है उसका मैं उत्तर देता हूँ। गायत्री जी हमारी पार्टी की निश्चित कार्यकर्ता थी और पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया, क्योंकि भाजपा की हमेशा नीति रहती है कि जो छोटे लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको, वंचित लोग हैं, वंचित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए हमारे दीनदयाल जी का ही शुरू से अंत्योदय का सिद्धांत रहा है। उस नाते गायत्री जी को हम लोगों ने बहुत बढ़ाया। पिछली बार उनको सभासद का टिकट दिया था, देखिए वो नहीं जीत सकी थी, लेकिन फिर भी हमने उनको नॉमिनेटेड सभासद बनाया था, पार्टी ने उनका बहुत सम्मान किया। लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब पार्टी में विचार होता है तो एक ही को टिकट मिलेगा, बहुत श्रेष्ठ लेते हैं, वो कहते हैं ना कि उसमें जो सभी समान लोगों में जो बेहतर होता है उसको टिकट दिया जाता है, तो फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स होता है, समानों में भी जो प्रथम होता है उसको टिकट दिया जाता है। इसलिए राकेश कुल जो कि जिलाध्यक्ष थे और उनको सम्मान, उनके सम्मान से, उनके काम से प्रभावित होकर पार्टी ने टिकट दिया। और गायत्री जी को हमने कहा था कि आपको अवसरण में पार्टी फिर सम्मान देगी, लेकिन अब पता नहीं उस चीज़ को नहीं समझ सकी, वो खड़ी हो गई हैं, तो ये बात है। और जहाँ तक दूसरा नाम आपने लिया है, वो पार्टी के इतने पुराने कार्यकर्ता नहीं, भाजपा चूंकि एक बढ़ता हुआ दल है तो काफ़ी लोग आते जा रहे हैं और काफ़ी बड़ी बाढ़ है जो मैंने सम्मिलित हो रहे हैं, समर्थक के रूप में भी, कार्यकर्ता के रूप में भी, नेता के रूप में भी आ रहे हैं, किसी को अवसर मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, तो सबका स्वागत है, सम्मान है, लेकिन जब किसी एक को टिकट मिल जाएगा तो शेष लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। पार्टी का निर्णय, अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय का सम्मान नहीं करता तो फिर उसको कार्यकर्ता कहने के बारे में सोचना पड़ेगा। वर्तमान चेयरमैन विनोद द्विवेदी, कहा यह जा रहा है कि वो काफ़ी बड़ी तेजी से लगे हैं, उनका चुनाव बड़ा तेजी से खींच रहा है, और इस बारे में क्या कहेंगे, क्या उनके नाम की चर्चा, क्योंकि पार्टी ने अभी कोई रुख ऐसा नहीं अख्तियार किया है, उस बारे में कुछ बोलेंगे आप? पार्टी के रुख के बारे में तो पार्टी संगठन विचार करेगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हमको मानिकपुर की जो जनता है, मानिकपुर के मतदाता हैं, उन पर मेरा विश्वास है, क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता है वो जनसामान्य से है और वो रियल वर्कर है, और सबको सपोर्ट तो नहीं है इनडायरेक्टली आप लोगों का? ऐसा प्रश्न आप पूछ रहे हैं। सपोर्ट तो हमारा मैं समझता हूँ, अगर मेरे परिवार का भी व्यक्ति खड़ा हो जाए हमारे सामने तो उसका भी बिल्कुल घोर विरोधी की तरह विरोध करेंगे। पार्टी के सिवाय कोई प्रश्न दिमाग में कभी आ नहीं सकता, विनोद जैसे लोग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और कोई हमारा निजी परिवार का आ जाए, समझिए कि हमारा बेटा है, मेरी पत्नी खड़ी हो जाए अगर भाजपा खिलाफ। लोगों ने कई डिबेट्स की तो दो निर्दलीय और भाजपा लड़ाई त्रिकोणी है, उस त्रिकोणी लड़ाई में दोनों अपने हैं और तीसरे के लिए तो आप वोट मांग ही रहे हैं। नहीं नहीं कोई अपना नहीं है, सिर्फ एक है अपना, राकेश कोल अपना है। अच्छा। कमल अपना है। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताई कोट बैरी सम यद्यपि परम से नहीं।
अच्छा एक आखिरी प्रश्न है, राजापुर का बवाल बढ़ता जा रहा है, नगर पंचायत का चुनावी माहौल, पूर्व विधायक का जो बयान है उसको लगातार ही कहा जा रहा है कि ये बिगड़े बोल हैं, और जो FIR के लिए भी एप्लीकेशन दी जा रही है, इस सब को कैसे देखते हैं, क्या ये बयान उचित था ऐसे मौके पर? अब मैंने चूंकि बयान को देखा नहीं है, मुझे अभी सवेरे किसी ने बताया कि वहाँ कुछ विवाद हो गया है, गदा को लेकर बयान आया है, चुनावी चिन्ह गदा है निर्दलीय प्रत्याशी का, उन्होंने कहा कि कई तरीके के जो गदाधारी हैं वो हैं, और ऐसे भी हैं जिनका नैतिक और अनैतिक रूप से वध जरूरी है। अब चुनाव में तो बहुत सी बातें होती हैं, अब कौन किस अर्थ में ले लेता है ये मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन चुनाव में लोग बोलते हैं। अभी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, उन्होंने कहा जय बजरंग बली की, और कर्नाटक का चुनाव आप देख रहे हैं, तो ये तो राजनीति में छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उसमें अपने अपने ढंग से लोग व्याख्यायित करते हैं, बस इतना ही मैं कहूंगा। अच्छा इसमें कई सारे जनप्रतिनिधियों की, पूर्व जनप्रतिनिधियों की, इसमें आप भी हैं, 60 लोग बता रहे हैं कि लग गई है, चुनाव प्रभावी बना दिया गया है, इस बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? ये आखिरी प्रश्न है मेरा। 60 के रूप में तो हमने देखते हैं, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जहाँ लगा देते हैं वहीं लग जाते हैं, पार्टी जीते कहीं भी कोई चुनाव होता है तो वो हमारी नहीं, वो पूरी पार्टी की साख का सवाल होता है, इसमें व्यक्ति कुछ नहीं होता, ना व्यक्तिगत कोई साख है, सारे कार्यकर्ताओं की, सारे समर्थकों की, पार्टी की, हमारे विचारधारा की, सर्व लोगों की साख है, और हम चाहते हैं क्योंकि विचारधारा की व्यापकता यदि होती और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता होते तो चुनाव कोई कठिन नहीं होता, लेकिन अपना जिला चूंकि बहुत वामपंथियों से प्रभावित रहा, फिर जातिवादी दल जैसे सपा बसपा इनसे बहुत यहाँ प्रभावित रहे, तो उस प्रकार का प्रतिबद्ध मतदाता दलों का अभी नहीं है, लेकिन हम लोग इसका निर्माण कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और भगवान चाहेंगे तो हम समझते हैं कि हम चारों सीटों पर विजयी होंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, जिन्हें प्रभारी बनाया गया है नगर पंचायत मानिकपुर का, और जीतोड़ मेहनत कर कोशिश ही की जा रही है कि मानिकपुर में पुनः कमल खिलाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब दो निर्दलीय, या ये कह सकते हैं कि पूरा चुनाव निर्दलीय वर्सेज भाजपा का हो गया है, ऐसे में परिणाम क्या होगा वो बहुत कुछ आगे तय करने वाला है। ब्यूरो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अनुज हनुमत, हिंदी खबर, चित्रकूट।